यूपी में जहां मजबूत है कांग्रेस, अगली सूची में सपा उन्हीं सीटों से लड़ाने वाली है अपनी प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कसमकस की राजनीति। बंगाल बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक गठबंधन की कवायद में कांग्रेस को तगड़ा झटका लग रहा है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में भी उसके लिए हालत कठिन ही दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए 11 सीट का एक तरफा ऐलान करने वाली सपा आगे भी उसे बहुत रियायत देने के मोड में नहीं है। प्रत्याशियों की अगली सूची में भी कांग्रेस के दावे वाली कुछ सीटों पर सपा अपने चेहरे उतारने की तैयारी कर रही है। क्षेत्रीय दलों की अमूमन हर राज्य में शिकायत यही है कि कांग्रेस अपनी जमीन से अधिक मांग कर रही है। यूपी में भी कुछ तस्वीर ऐसी ही है। कांग्रेस ने शुरुआती बातचीत में करीब 25 सीटों पर दावा किया था, लेकिन सपा ने उन सूची को किनारे कर दिया। 16 उम्मीदवारों की जो पहली सूची सपा ने जारी की, उसमें भी फर्रुखाबाद, खीरी, धरोहरा और लखनऊ लोकसभा सीट पर कांग्रेस की नजर थी। फर्रुखाबाद के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद सांसद रह चुके हैं। पिछले 2 चुनाव में भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लखनऊ में भी कांग्रेस की पिछली बार 1.80 लाख वोट मिले थे। खीरी में भी 2 महीने पहले सपा के पूर्व सांसद रवि वर्मा ने टिकट की आस में कांग्रेस का दामन थामा था। अब उनकी उम्मीदें भी धूमिल हैं। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह वह भी दावा कर रहे हैं कि सपा की सूची गठबंधन की आधिकारिक सूची नहीं है, ये सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को आएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव के अपनी ओर से कांग्रेस के लिए सीटें तय करने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व नाराज है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे से लेकर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के बयानों से ये साफ हो गया है। हालांकि सपा इन दावों को दरकिनार करते हुए आगे भी सख्ती बनाए रखने के संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।